अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम जो है वो शुरू किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था उसका जनरल सा इंट्रोडक्शन, आज जो है वो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने जहाँ से जो है वो उसको एंड किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने अब पढ़नी है नर्व की टर्मिनेशंस, के जो नर्व फाइबर्स हैं नर्व फाइबर्स ट्रेवल करते हैं इन द पेरिफेरल नर्व टर्मिनेट्स इन द पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स टू विच और फ्रॉम दे कन्वे द नर्व इंपल्सेस। ठीक है, यानी अब वो जो नर्व की एंडिंग्स होंगी, नर्व एंडिंग्स सेंसरी और मोटर दोनों होंगे ना, क्योंकि दोनों तरह की हमारे पास नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो जो सेंसरी होंगी, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होंगी, ऑब्वियसली सेंसरी नर्व्स की भी नर्व एंडिंग होगी और मोटर नर्व की भी नर्व एंडिंग होगी, जहाँ से वो मोटर रिस्पॉन्स सप्लाई करेंगे टू द इफेक्टर ऑर्गन। और सेंसरी जो होंगी वो नर्व टर्मिनेशंस जो होंगी वो सेंसरी मैसेज को हायर सेंटर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि नर्व फाइबर्स जो के पेरिफेरल नर्व के अंदर रन कर रहे होते हैं वो अपने पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स के अंदर टर्मिनेट कर जाते हैं, जहाँ से या तो उन्होंने सप्लाई करना है मैसेज को, या उन्होंने वहाँ से मैसेज को या नर्व इम्पल्स को लेकर जाना है। तो फिर इस तरह से हम जो नर्व टर्मिनेशंस हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोटर नर्व एंडिंग्स हो जाएंगी और एक सेंसरी नर्व एंडिंग्स हो जाएंगी। जो मोटर नर्व एंडिंग्स हैं वो जाहिर सी बात है एफरेंट फाइबर्स होंगे, वो क्या करेंगे इफेक्टर ऑर्गन्स के अंदर टर्मिनेट करेंगे। इन केस ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स मेजोरिटी जो होती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, और इफेक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इन विच दे एक्साइट द एक्टिविटी बाय रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। ठीक है, न्यूरो एक हमारे पास सब्सटेंस रिलीज किया जाता है एट द साइट साइनेप्सिस, जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिविटी को क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है। अब रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स जो होगा वो इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। एट टर्मिनेशन ऑफ द सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स द ट्रांसमीटर रिलीज इज एसिटाइलकोलिन। जो हमारे पास सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स होंगे उसका जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइल। न्यूरो ट्रांसमीटर एक जनरल टर्म है, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास एक तरह से क्या है, एक वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज किया जाता है या जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू द अनदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम स्पेसिफिक हो रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स के अंदर कौन सा होगा, एसिटाइल कोलिन। जबकि अगर आप विजरल एफरेंट फाइबर्स की बात करोगे जो कि विजरास को सप्लाई करेगा, विजरास की जो मोटर फाइबर्स होगी उसके दो तरह के होंगे, नोरएपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन। जो एपिनेफ्रिन होगा वो कहाँ पे रिलीज किया जाएगा, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स में। ठीक है, जबकि आपके पैरासिंपैथेटिक जो नर्व एंडिंग्स होंगी एंड सम ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, वहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज किया जाएगा। अब अगर आपको याद हो कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस डिवीजन जो थी नर्वस सिस्टम की, उसमें हमारे पास दो तरह के सिस्टम आए थे, एक सोमेटिक और एक हमारे पास एक हमारे पास सिंपैथेटिक और दूसरा हमारे पास पैरासिंपैथेटिक। दोनों में हमने प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक की टर्म यूज़ की थी। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स की जो नर्व टर्मिनेशंस होंगी वो क्या होंगी। अब हमें नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स हैं। ठीक है, तो ये किसको सप्लाई करेंगी, टू द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल की जो मोटर सप्लाई होगी वो क्या होंगी, सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स, और उन फाइबर्स के जो टर्मिनेशंस होंगी वो उनको हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होगी वो मसल के अंदर आएगी, उसके बाद वो बहुत सारी ब्रांचेस देना शुरू कर देगी। ठीक है, सपोज दिस विल बी द मसल, और इस मसल से जैसे ही वो अंदर आएगी तो नीचे आके ब्रांचेस देना शुरू कर देगी। अब इस मसल की भी हमने तीन डिवीजन्स पढ़ी थी, ये हमारे पास एक मेजर मसल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अंदर और फर्दर कनेक्टिव टिश्यू के थे और
उसके अंदर हमारे पास मसल फाइबर्स के अराउंड जो था, यानी अगर आप क्या कहते हैं मसल्स वाली की बात करें, क्या बताना चाह रही थी, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे आप मसल के अंदर देख कर आए थे ना कि हम मसल के अंदर हमारे पास जो सबसे आउटर मोस्ट उसकी जो कवरिंग थी वो हमारे पास एपिमाइजियम थी। एपिमाइजियम के अंदर हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट थी जिसके अंदर हमारे पास मसल फाइबर्स पड़े हुए थे, वो हमारे पास पेरिमेरियम आपका पेरिमाइजियम थी, और इसी तरह से सबसे अंदर वाली जो थी वो एंडोमाइजियम थी, यानी एपी पेरी और एंडोमाइजियम थी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही जो मेजर नर्व आपकी मसल के अंदर आएगी वो क्या होगी, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगी। जैसे ही वो अंदर आएगी तो ब्रांचेस देना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो ब्रांचेस जो होंगी डिफरेंट ब्रांचेस, यानी अब वो मेजर ब्रांच आएगी, ठीक है, मेजर ब्रांच जो होगी वो आपका क्या कहते हैं एंडो के पास जाए, पैरी के पास जाएगी, पैरी से मज़ीद एंडो के पास जाएगी, और इस तरह से जब एक एक सिंगल मसल फाइबर के पास जब वो जाएगी तो फिर वो क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी, और वो जो कनेक्शन होगा दैट विल बी द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट हम उसको बोलेंगे, यानी जहाँ पे एक मसल फाइबर जो होगा वो सप्लाई किया जाएगा बाय द एक्सोनल टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक मेजर नर्व थी, मेजर नर्व्स ब्रांचेस में गई, फिर एक एक्सोन की फर्दर ब्रांचेस बनेंगी, और फिर उस एक एक्सोनल ब्रांच की जो कनेक्शन होगा विद दैट ऑफ द सिंगल मसल या आपका वो जिस मसल को सप्लाई करेगी दैट विल बी द हमारा टर्मिनेशन है सोमैटिक एफ्रेंट फाइबर की। क्लोज टू द टर्मिनेशन माइलिन शीट्स जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, और एक्सोन्स जो होंगे वो बहुत सारे बल्बस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर के अंदर जो होंगे वो डिवाइड होंगे, यानी इस तरह से हमारे पास टर्मिनल एंड होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाप्टिक गटर्स बोलते हैं। जो बल्बस एक्सोनल एंड्स हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेसिकल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर सारे क्या पड़े हुए हैं, वेसिकल्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है सच एज एसिटाइल कोलीन। इन द बेस ऑफ द साइनाप्टिक गटर सार्कोलिमा इज थ्रोन इन टू द फोल्ड्स कॉल्ड द सब न्यूरल और आपका जंक्शनल फोल्ड्स। यानी अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारे पास जो एक्सोनल एंड्स थे वो क्या कर रहे हैं, जो आपके सार्कोलिमा है जो मसल की लेयर है वो इसी तरह से टी ट्यूबुल बना रही थी ना, तो इसी तरह से उसको उसने कहा कि ये जो इसकी फोल्डिंग होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, जंक्शनल फोल्ड्स, ठीक है, ये जंक्शनल क्लेफ्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, न्यूरो ये आपकी जो बाउटन्स बन रहे हैं टर्मिनल एंड्स पे एक्सोन्स के। बीनीथ द जंक्शनल प्लेट ऑफ द सार्कोप्लाज्म द सार्कोप्लाज्म शोज द अबंडेंस ऑफ मसल न्यूक्लियाई एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड द जंक्शनल सार्कोप्लाज्म। अब इसके नीचे जो हो गया हमारे पास, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म होगा ना, क्योंकि ये हमारे पास सार्कोलिमा थी, सेल आपकी जो मसल है उसके सेल की मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अब जो उसका प्लाज्म होगा उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, क्लोज टू द मेम्ब्रेन हमारे पास न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, और इसको हम जंक्शनल सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे विजरल एफ्रेंट फाइबर्स, ठीक है, विजरल्स की सप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगी, ऑटोनॉमिक सप्लाई होगी। ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक दोनों आएंगे, और दोनों के अंदर हमारे पास दो टर्म्स यूज होती हैं, आइदर इट विल बी सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक। जो टर्म्स हैं वो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स या प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपथेटिक फाइबर्स होंगे, एंड सेम केस विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक के, हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिंपथेटिक फाइबर्स। तो जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे, ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से निकले हुए होंगे, नाम से पता चल रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक है तो गैंग्लिया के बाद का फाइबर होगा। वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे टर्मिनेट करेंगे इफेक्टर्स के अंदर। अब वो इफेक्टर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, विजरास के ही होंगे, हार्ट मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे ब्लड वेसल्स के, स्मूथ मसल्स होंगे विजरास के, स्मूथ मसल होगा
आपका स्किन का, ठीक है, और इसी तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगी, ये हमारे पास वो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं या इफेक्टर आपके हैं जो कि विजरल इफरेंट फाइबर्स के होंगे, जहाँ पे आपके जो इफरेंट फाइबर्स हैं विजरल इफरल फाइबर्स वो टर्मिनेट करेंगे। अब क्या होंगे, इसी तरह से टर्मिनेशन के पास ये फाइबर्स जो होंगे वो अनमाइलिनेटेड होते रहेंगे और इस तरह से ये क्या करेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस बनाना शुरू कर देंगे, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस बन जाएंगे, ठीक है। फिर उस नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस से स्मॉल फाइन फाइन फाइबर्स जो होंगे वो निकलेंगे और अगेन उसी तरह से कि वो अपने टर्मिनेशन एंड पे हमारे पास एक एक्सपेंशन बना देंगे, ठीक है, जिसको हम एक्सोनल बाउटेंस बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर के अराउंड जिसके अराउंड उसने क्या करना है, आपका सप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे बीच में ये जो स्पेस बनती है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इससे ऊपर वाला जो आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन होगी या आपका जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेजिकल्स पड़े हुए होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर क्या पड़े हुए होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पड़े हुए होते हैं। जो विजरल एफरेंट है उसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल न्यूरो मस्कुलर जंक्शन नहीं मिलता, जैसे हम पीछे उसके अंदर पढ़कर आए हैं आपके सोमेटिक फाइबर्स के अंदर एक स्पेशल जंक्शन पढ़कर आए थे कि हमारे पास इस तरह से ये फाइबर्स होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं और ऊपर से वो आ रही होती हैं, न्यूरोनल एंड्स आ रहे, एक्सोनल एंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास सारा एक प्रॉपर एंड प्लेट बनती है। यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है इन द वेसिनिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिव सेल्स, जो भी सेल्स हैं उस सेल के अराउंड जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया जाएगा। उस न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर उस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, वो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देंगे और इस तरह से हमारे पास जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ऑल्टर करेगा और नर्व ट्रेवल होती रहेगी, गेट्स खुल जाएंगे, वो सारा जो साइनेप्सिस का मैकेनिज्म आप पढ़ कर आए हैं फिजियोलॉजी में वैसे ही। द नेक्स्ट इज द सेंसरी नर्व एंडिंग्स, अभी तक हमने पढ़ी थी मोटर, मोटर के अंदर हमने पढ़ी सोमेटिक और विजरल मोटर, अब हम पढ़ेंगे सेंसरी। सेंसरी के अंदर हमारे पास दो मेजर आती हैं, एक एनकैप्सुलेटेड और नॉन एनकैप्सुलेटेड। सबसे पहले हम नॉन एनकैप्सुलेटेड पढ़ लेते हैं, जो नॉन एनकैप्सुलेटेड होती हैं वो फ्री भी होती हैं, यानी आपके जो ब्रांचेज होंगी एक्सोन्स की वो फ्री होंगी, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फैली हुई होंगी, ठीक है, उसको हम फ्री नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन वेराइटी है सेंसरी नर्व एंडिंग्स की, ये या तो माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड होगी या फिर बहुत से थिन लेयर होगी माइलिन की। एक्सोन्स जो होंगे वो बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होंगे जो कि एंडली जो है वो एंड करेंगे ब्लाइंडली बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, ऑल्सो सम इन सम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज एंड सम फाइबर्स अराउंड द मसल्स। अब इसके अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा इमेजिन करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगे हुए होंगे, एपिथेलियल सेल्स लगे हुए होंगे, ठीक है। इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर हमारे पास क्या आ रही होंगी, नर्व्स आ रही होंगी। अब सिंगल नर्व की ब्रांच जो होगी वो ब्लाइंडली एंड कर जाएगी टू द मसल इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम के सेल्स के अंदर वो चली जाएगी और इस तरह से ये क्या होंगे, फ्री नर्व एंडिंग्स होंगे। जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो टच रिसेप्टर टच को टेम्परेचर को और पेन के सेंसेशंस को रिस्पॉन्ड करेंगे। इन एपिडर्मिस सम फ्री नर्व एंडिंग्स एग्जिबिट अ टर्मिनल एक्सपेंशन विच इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड द मार्कल सेल्स लोकेटेड इन द स्ट्रेटम बेसिलाई। अब अगर आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम याद हो तो उसके अंदर हमने एक स्पेशल सेल पढ़ा था मार्कल सेल, ठीक है, जो कि पड़ा हुआ था इन द स्ट्रेटम आपकी जो बेसिलाई है उसके अंदर पड़ा हुआ था। अब उन सेल्स के अंदर हमारे पास वो कहते हैं कि जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं उनकी एक स्पेशल टर्मिनल एक्सपेंशन होती है मार्कल सेल्स के अराउंड, ठीक है, और ये जो उसकी एक्सपेंशन है फाइबर की, ठीक है, और ये जो आपके सेल्स होंगे ये मिलकर हमारे पास एक क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम मार्कल कार्पसल्स बोलते हैं और ये सेंस ऑफ टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आते हैं, ठीक है, वो हम अभी सारे डिटेल से पढ़ लेंगे। इस नाम से पता चल रहा है क्या होंगे, इनके अराउंड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल बनी हुई होगी जिसके अंदर ये सारा नर्व की जो एंडिंग्स हैं वो पड़ी हुई होंगी।
सबसे पहली जो क्लास है वो हमारे पास है मेजनर कार्पसल्स, या फिर हम इसको टिक्टाइल कार्पसल्स ऑफ मेजनर भी बोलते हैं। ये ओवल बॉडीज होती हैं, ठीक है, कैप्सुलेट एड हैं, तो फिर हमारे पास क्या होंगे, इसके अराउंड एक कैप्सूल बना हुआ होगा कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि कंटिन्यूस होगा विद दैट ऑफ द एपिनियरियम। अब एपिनियरियम हमारे पास उसी तरह से वैसी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि पूरी नर्व शीथ को जो है वो क्या किए हुए होगी, कवर किए हुए। अब अगर आपको नर्व की डेफिनेशन याद हो, पहले सेमेस्टर में मैंने बताई थी कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ एग्जॉम्स होती है आउटसाइड द CNS, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई थी, नर्व बन गई थी। और इसी तरह से कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया हमारे पास आउटसाइड द CNS, हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द CNS गैंग्लिया हो गया था। अब अगर हम नर्व भी बता दी, नर्व के अंदर हमारे पास उसी तरह से जैसे मसल की तीन लेयर्स पढ़कर आए थे, इसी तरह से हमारे पास क्या होंगी, न्यूरॉन की भी होंगी एपी, पेरी और एंडो, ठीक हो गया। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 150 माइक्रोमीटर लेंथ होगी और 75 माइक्रोमीटर डायामीटर होगा इन कार्पसल्स का। कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होंगे कि सेल्स होंगे जो कि ट्रांसवर्सली फ्लैटेंड अरेंजमेंट में होंगे, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल नहीं होगी, मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगी, यानी एक फ्लैटेंड सेल्स की लेयर होगी, फिर दूसरी फ्लैटेंड सेल्स की लेयर होगी, और फिर तीसरी फ्लैटेंड सेल्स की लेयर होगी। इस तरह से मल्टीपल जो होंगी नंबर ऑफ लेयर्स होंगी फ्लैटेंड सेल्स की कैप्सूल के अंदर, ठीक है। अब इस मेजनर कैप्सूल के अंदर हमारे पास टू और मोर देन टू माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होंगे वो एंटर होंगे, सप्लाई करेंगे ईच कार्पसल्स को। फिर वो क्या हो जाएंगे, कार्पसल के अंदर आएंगे तो नॉन माइलिनेटेड ब्रांचेस जो हैं वो देंगे, और इस तरह से जो है वो हमारे पास एक हेलिकल स्पाइरल होते रहेंगे, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ये किसके अंदर पड़े हुए हैं, दीज आर फाउंड इन द डर्मल पैपिलाई, पर्टिकुलरली ऑन द नॉन हेयरी स्किन, ठीक है, यानी फिंगर की टिप्स हो गई, पाम्स हो गई, आपकी आईलिड्स वगैरह हो गई। इसका फंक्शन क्या है, परसेप्शन ऑफ टच। द नेक्स्ट इज द पेक्सिनियम कार्पसल्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह से इनकैप्सुलेटेड होंगे, कार्पसल्स लार्ज होंगे, अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो 1 to 4 मिलीमीटर लेंथ में होंगे। अच्छा जी, अगर आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर देखो तो इसकी अपेयरेंस जो होगी वो अनियन लाइक होगी, लाइक जिस तरह से अनियन की लेयर्स होती हैं, इसी तरह से इसके अराउंड जो होंगे वो क्या होंगी, लेयर्स बनी हुई होंगी, इस तरह से इसकी अपेयरेंस होगी, ठीक है। और ये क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट कैप्सूल एनक्लोजिंग मेनी ऑफ द कंसेंट्रिक लैमेलाई ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स सेपरेटेड बाई इंटेस्टाइनल फ्लूइड स्पेसेस एंड डेलिकेट कोलेजन फाइबर्स। अब इन लेयर्स फ्लैटेंड सेल्स के लेयर्स के अराउंड हमारे पास क्या होंगे, इसके बीच में स्पेसेस होंगी, ठीक है, ये स्पेसेस क्या होंगे, इंटेस्टाइनल फ्लूइड स्पेसेस होंगी, ठीक है, यानी और इन सेल्स का जो आपस में कनेक्शन होगा वो क्या होंगे, डेलिकेट फाइबर्स के थ्रू, कोलेजन फाइबर्स के थ्रू होंगे। अब क्या होगा कि सिंगल माइलिनेटेड नर्व फाइबर आएगी अंदर, ठीक है, और क्या होगी, अंदर जो ब्रांचेज आनी शुरू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, नॉन माइलिनेटेड होंगी, यानी अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, अनमाइलिनेटेड हो जाएंगे, ओके। उसके बाद ये हमारे पास ये जो ब्रांचेज हैं ये कार्पसल्स के कोर के अंदर पास करेंगे, ठीक है, यानी इसका सेंटर को पास करेंगे और एंड करेंगे एट द बल्बस आपकी स्वेलिंग, जिसको हम टर्मिनल बाउटेंस भी बोल रहे हैं। अभी किसके अंदर पड़ी हुई है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पड़ी हुई है, पर्टिकुलरली द पाम्स एंड द सोल्स एंड द डिजिट्स। इसके साथ साथ ये हमारे पास लिगामेंट्स, जॉइंट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेरियोस्टियम, मेसेंट्री और लूज कनेक्टेड टिश्यू के अंदर भी पड़ी हैं। अब इनका काम क्या है, किस स्टिमुलाई को जो है वो सेंस करेंगे, प्रेशर को, वाइब्रेशन को और टेंशन को। इन रिलेशन टू जॉइंट दे ऑल्सो रजिस्टर द मोमेंट एंड द पोजिशन, ठीक है, यानी अगर ये जॉइंट के अंदर पड़े हुए हैं तो फिर ये जॉइंट कैप्सूल के अंदर पड़े हुए हैं तो फिर ये क्या करेंगे, मूवमेंट की सेंसेशन और जो पोजिशन ऑफ जॉइंट इन स्पेस होगी उसको जो है वो डिटेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट एंडिंग इज द रफनेस एंडिंग्स, ये फ्यूजिफॉर्म होंगी, 1 to 2 मिलीमीटर इनकी लेंथ होगी,
इसी तरह से इसके अराउंड जो होगा वो थिन कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होगा, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होंगी जो कि ट्रेवर्स की जाएंगी बाय द बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। सिंगल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होंगे वो एंटर करेंगे कैप्सूल को, उसके बाद उसी तरह से अगेन वही के अपनी माइलिन शीथ को लूज कर देंगे, ब्रेक हो जाएंगे इनटू द मल्टीपल ब्रांचेस और क्या करेंगे इंटरवाइन करेंगे विद दैट ऑफ द कोलेजन फाइबर्स जो कि आपका बीच में पड़ा हुआ है। कहाँ पे ये पड़ा हुआ है इसकी अगर आप लोकेशन की बात करें तो डर्मस ऑफ द स्किन के अंदर पड़ा हुआ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड जॉइंट कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ है और दिस एक्ट एज अ मैकेनो रिसेप्टर्स। द नेक्स्ट इज क्रॉस एंड बल्ब्स, ठीक है, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल होगी, इसके अंदर हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर, सिंगल माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होगा वो एंटर होगा, अपनी माइलिन शीथ को लूज कर देगा, बहुत सारी ब्रांचेस देगा और एंड करेगा एट अ टर्मिनल बाउचिंग्स। कहाँ पे पड़े हुए हैं? पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस ऑफ द स्किन के अंदर पड़े हुए हैं। इसका काम प्रीवियसली ये कंसीडर किया जाता था कि ये क्या करता है, परसेप्शन ऑफ कोल्ड करता है, कोल्ड की जो सेंसेशन है उसको रिसीव करता है, लेकिन अब जो है वो ये कंसीडर किया जाता है कि ये गलत कंसीडर किया जाता था, लेकिन फिर भी उसका जो इस सेंसरी अपरेटस का जो फंक्शन है वो अभी तक अननोन है। द नेक्स्ट इज द न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स या फिर मसल स्पिंडल्स, ये अब आप लोगों को आप लोग फिजियोलॉजी में भी पढ़ाए होंगे और कार्ने में भी होप्सो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रेटेड मसल आपका जो मस्कुलेचर है उसके अंदर पड़े हुए होते हैं, जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर पड़ा हुआ है, स्पिंडल अपरेटस इसको बोलते हैं। इसकी लेंथ जो होगी वो 0.5 to 5 millimeter होगी और अगर आप इसकी विड्थ की बात करोगे तो लेस देन 1 millimeter होगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक तो सबसे पहले कि कैप्सुलेटेड होगा, इसके अराउंड जो होगी वो कैप्सूल थिन शीथ ऑफ द कैप्सूल होगी और उस कैप्सूल के अंदर हमारे पास 2 to 10 मॉडिफाइड स्केलेटल मसल फाइबर्स होंगे जिनको हम इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स बोलेंगे, जो कि आपकी ये जो स्पिंडल हैं ये आपकी जो मसल फाइबर्स हैं जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं मसल के उसके पैरेलल भी पड़े हुए हो सकते हैं और न्यूरोमस्कुलर आपका जो सॉरी मस्कुलो टेंडनस आपकी जो जंक्शन होगी वहाँ पे भी ज़्यादा पड़े हुए होंगे। अब इसके अंदर क्या है कि इस स्पिंडल के अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, एक मॉडिफाइड स्केलेटल मसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको हमने इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स का नाम दिया। ये इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स जो हैं वो हैव अ सेंट्रल नॉन स्ट्रिएटेड एरिया इन विच देयर न्यूक्लियाई आर कंसनट्रेटेड। अब इन मसल फाइबर्स की अगर आप बात करोगे तो इनके सेंटर में हमारे पास जो होगा वो एक नॉन स्ट्रेचेड एरिया होगा जिसके अंदर क्या पड़े होंगे, न्यूक्लियाई पड़े होंगे। हमारे पास इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स के अंदर दो तरह के जो हैं वो फाइबर्स होते हैं, एक हमारे पास न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होंगे और एक चेन बैग न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होंगे। जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, ये वो सेंट्रल न्यूक्लियर पोर्शन होगा जो डायलेट हुआ हुआ होगा और उसके अंदर न्यूक्लियाई जो होंगे वो एक बैग की तरह के पेरस नहीं यानी पास पड़े हुए होंगे उस सेंट्रल एरिया के और एक पूरा बंच टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर्स की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर न्यूक्लियाई जो होंगे वो एक सिंगल रो में चेन की तरह की अपेरेंस देंगे, कनेक्टेड होंगे, एक न्यूक्लियस ऐसे पड़ा है तो दूसरा ऐसे पड़ा हुआ होगा, ये न्यूक्लियस साइड बाई साइड जो होंगे वो न्यूक्लियस पड़े हुए होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद बोथ टाइप्स ऑफ इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स, ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे दो तरह के जो होंगे वो सेंसरी आपकी फाइबर्स जो होंगी वो एंटर होंगी। एक हमारे पास होगा सिंगल लार्ज माइलिनेटेड एफरेंट फाइबर जो कि एंटर करेगा कैप्सूल को, अपनी माइलिन शीथ को लूज कर देगा, ब्रांचेस में डिवाइड होगा और हर ब्रांच जो होगी वो क्या करेगी, एनसर्कल करेगी द सेंट्रल एरिया ऑफ इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर फॉर्मिंग द एन्यूलो स्पायरल एंडिंग्स। जबकि आपकी जो स्मॉलर एफरेंट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगी वो एंटर करेंगे स्पिंडल को, इस तरह से लूज करेंगे माइलिन शीथ को, ब्रांच करेंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी ऑन द स्ट्रिएटेड पोर्शंस ऑफ द इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स। अब अगर आप कंसीडर करें कि हमारे पास ये जो है वो इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर है, इसके हमने दो पोर्शन पढ़े, एक हमारे पास सेंट्रल बैग था और एक हमारे पास चेन था, यानी एक सेंट्रल पोर्शन हो जाएगा सपोज करें और एक हमारे पास पेरीफेरी का पोर्शन हो जाएगा। तो जो सेंट्रल पोर्शन है वो हमारे पास लार्ज
आपका माइलिनेटेड एफरेंट फाइबर से सप्लाई किया जाएगा, वो एंटर होगी ब्रांच, अपनी माइलिन शीथ लूज करेगी और ब्रांचेस देना शुरू कर देगी और सप्लाई और अराउंड एक ट्विस्टिंग होती जाएगी, एक स्पाइरल अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगी अराउंड द इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स और कैसी अरेंजमेंट बना देगी, एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग्स बनाएगी। जबकि एक और टाइप ऑफ सेंसरी आपकी एफरेंट फाइबर जो है वो आती है, वो पेरीफ्री के अराउंड होगी, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिएटेड पोर्शन होगा इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स का, जो आपका सेंट्रल पोर्शन होगा इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर का, वहाँ पे हमें वो क्रॉस लिंकेजेस नज़र नहीं आएंगे, लाइट और डार्क बैंड्स नज़र नहीं आएंगे। स्केलेटल मसल था वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जो हमारे पास लाइट और डार्क बैंड्स थे, क्योंकि इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स मॉडिफाइड स्केलेटल मसल्स हैं, तो इसके जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो आपका बिल्कुल जो आपके नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है उसकी तरह की स्मूथ उसकी अपेयरेंस होगी, जबकि आपके जो पेरीफ्री हो गए इस मसल फाइबर्स के, वो हमारे पास जैसे ये स्केलेटल मसल्स की अपेयरेंस थी वैसे ही अपीयर होंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास पेरीफ्री वाली जो नर्व एंडिंग्स होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स भी बोलते हैं। ये दो मोटर हो गए सेंसरी हो गई, इसके अलावा हमारे पास एक स्मॉल मोटर फाइबर्स आते हैं जो कि गैमास से आएंगे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, मोटर एंड प्लेट बना देंगे स्ट्रिएटेड पोर्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स पे, जो कि उसकी जो इंट्राफ्यूजियल मसल फाइबर्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्शन की चेक को रिस्पॉन्सिबल करेंगे होंगे। अब इनका फंक्शन क्या है आपके स्पिंडल फाइबर्स का, ये क्या करते हैं, ये क्या है, दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच रेगुलेट द मसल टोन वाया द स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके मसल की लेंथनिंग और उसकी शॉर्टनिंग को रेगुलेट करते हैं, यानी मसल की ज़रूरत से ज़्यादा लेंथनिंग को बचाएंगे और मसल की ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को सेंस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को सेंस करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे। द अदर वन इज़ द आपका गोल्जी टेंडन ऑर्गन, इसको GTOs भी बोलते हैं, कि हमारे पास टेंडन के अंदर पड़े हुए होंगे, ठीक है, या फिर क्लोज टू मस्कुलो टेंडन जंक्शन पड़े हुए होंगे। इसके अंदर हमारे पास स्मॉल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे जो कि कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल के अंदर होंगे, जैसे हम अभी सारा स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं आपके एनकैप्सुलेटेड सेंसरी एंडिंग्स का। यहाँ पे क्या होगी कि एक लार्ज सेंसरी माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होगी वो GTO के अंदर आएगी, अपनी माइलिन शीथ को लूज करेगी, ब्रांचेस में डिवाइड होगी और इसी तरह से हमारे पास नेटवर्क बना देगी अराउंड द कोलेजन बंडल्स। ये क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन मसल टेंशन एंड प्रिवेंट द डिवेलपमेंट ऑफ टू मच टेंशन ऑन द मसल्स। अब हम पढ़ेंगे साइनेप्सिस का। साइनेप्सिस हमारे पास वो फंक्शनल साइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि एक इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट की जाती है फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर। इसकी हमारे पास चार टाइप्स होंगी, एक्सोनोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स एंड डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। यानी जो दो कम्युनिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसके नाम पे, उसकी बेस पे हमने उसका नाम रख दिया। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स का मतलब एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में होगी, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनेप्सिस होगी। एक्सोसोमेटिक क्या होगा कि बिटवीन द एक्सोन एंड सोमा ऑफ द आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, ये सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन के बीच में जो होगा साइनेप्स। एक्सोएक्सोनिक साइनेप्सिस बिटवीन द एक्सोन्स, टू एक्सोन्स। डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्सिस भी बिटवीन द टू ऑफ द डेंड्राइट्स। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स क्या है कि हमारे पास जो एक्सोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोपेगेटिंग स्टिमुलस, ठीक है। और अभी हम देख रहे थे कि एक्सोन के हमारे पास क्या थे, कोलेटरल्स थे, उसके बाद हमारे पास इसके एंड पे, इसकी टर्मिनल ब्रांच पे हमारे पास टर्मिनल बाउटन्स या फिर हमारे पास एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने बल्बुलस बोला था, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सपोज करें कि अगला स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मसल है, तो इसकी मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी और इसकी मेम्ब्रेन जो होगी वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो माइनर सा गैप होता है उसको हम साइनेप्टिक बोलते हैं,
ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो वेजिकल्स पड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर आपका न्यूरो ट्रांसमीटर पड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़े हुए होते हैं। प्री साइनेप्टिक स्वेलिंग के अंदर जो हमारे पास आपकी जो एक्जोनल स्वेलिंग्स हैं उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स के अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़ा हुआ होता है। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स होते हैं इसको हम साइनेप्टिक वेजिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या करता है, ये जो प्री साइनेप्टिक आपकी जो मेम्ब्रेन है ये वेजिकल्स को रिलीज करेगा, ठीक है, इन द स्पेस। और उसके बाद आपका न्यूरो ट्रांसमीटर जो होगा यहाँ पे पड़े हुए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और इस तरह से गेटेड चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और नर्व जो होगी वो ट्रांसमिट की जाएगी। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्व्स की, कि हमारे पास जो नर्व फाइबर्स होंगे उनके बंडल्स जो होंगे वो एक कनेक्टेड होंगे बाय अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्व बोलेंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन है कि हमारे पास नर्व फाइबर्स की जो कलेक्शन होगी जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़ी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्व्स। दो तरह की होंगी, क्रेनियो स्पाइनल नर्व्स और हमारे पास आपकी या तो क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स, जिसे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 33 आपकी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं और क्रेनियल नर्व्स भी हमारे पास 12 है। अच्छा, अब इन नर्व्स का स्ट्रक्चर उसी तरह से है जैसे हम मसल की शीट पढ़ कर आए थे, तीन सबसे पहले वाली एपी होगी, फिर हमारे पास पेरी होगी और फिर हमारे पास क्या होगी, एंडो होगी। जो एपिन्यूरियम होगी वो हमारे पास क्या होगी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट होगी जिसने सारी की सारी पेरिफेरल नर्व को जो है वो कवर किया होगा, यानी इस नर्व के अंदर हमारे पास उसी तरह से बहुत सारे आपके जो नर्व फाइबर्स होंगे वो पड़े हुए होंगे। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है पेरिन्यूरियम, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, जिसने एनक्लोज किया हुआ होगा फेसिकल्स को, ये बंडल्स को, उन बंडल्स के अंदर जो हमारे पास सिंगल फाइबर होगा वो किससे कनेक्ट किया, किससे सराउंड किया जाएगा, बाय द एंडोन्यूरियम। अगली जो टर्म है वो हमारे पास है गैंग्लिया। गैंग्लिया जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है, आउटसाइड द सीएनएस। हम देख रहे थे कि हमने कहा था कि हमारे पास जब सीएनएस के बाहर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होगी तो उसको हमने गैंग्लिया कहा था, और अगर सीएनएस के अंदर होगी तो हमने उसको न्यूक्लियस कह दिया था। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होंगे, एक हमारे पास क्रेनियो स्पाइनल होंगी और दूसरी हमारे पास ऑटोनोमिक गैंग्लिया होंगे। जो क्रेनियो स्पाइनल गैंग्लियाज होंगे वो क्रेनियल नर्व्स के अंदर पड़े हुए होंगे या फिर स्पाइनल नर्व्स के गैंग्लिया होंगे। अच्छा जी, जो क्रेनियल गैंग्लिया है वो प्रेजेंट है इन द पाथ ऑफ सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, फॉर एग्जांपल द वेगस नर्व। अगर सीएनएस के अंदर जाके कलेक्शन होगी तो फिर हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि अब क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास स्कल से निकल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के जो आपकी एग्रीगेशन होंगी सेल बॉडीज की उसको फिर हम कह देंगे क्रेनियल गैंग्लिया, और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास वेगस नर्व। इसी तरह से हमारे पास स्पाइनल गैंग्लिया होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लिया, जो कि बिल्कुल आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते ही हमारे पास आपका गैंग्लिया आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल जो है वो इस गैंग्लिया को सराउंड करते हैं। न्यूरोन्स आर ऑफ सीडो यूनिपोलर टाइप हूज सेल बॉडीज आर सराउंडेड बाय द ग्लाइल सेल्स कॉल्ड द स्टेलाइट सेल्स। अब हमारे पास है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ये क्या होते हैं, दीज अपीयर एज द बल्बस डायलिटेशन इन द कोर्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्व्स के पाथवे में हमारे पास क्या होंगी कि एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसके अराउंड कैप्सूल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैंग्लिया जो हैं ये अब ऑटोनोमिक है तो विजराज वाले होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक वाले आएंगे जो हम पढ़कर आए थे। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, मल्टीपोलर टाइप के होंगे, जिसके जिसको सराउंड किया हुआ होगा बाय द लेयर ऑफ द स्टेलाइट सेल्स। ये न्यूरोग्लाया हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो नर्व की एंडिंग्स पढ़ी और गैंग्लिया वगैरह पेरिफेरल नर्व्स वगैरह पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो बात नहीं समझ आई होगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।